शादी का लड्डू ऐसा जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं कि लाखों में एक को छोड़कर बाकी हर कोई जीवन में एक बार ये शादी का लड्डू जरूर खाता है। लेकिन कुछ शूरवीर ऐसे होते हैं जो जीवन में दो बार भी खा लेते हैं, तीन बार भी खाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन जिस शूरवीर की बात हम कर रहे हैं ऐसे लाखों में एक होते हैं और बिरले ही होते हैं। जी हाँ, वो शूरवीर कौन होते हैं जो दो लड्डू एक साथ खा रहे हैं। मतलब बात कमाल की है, नहीं समझे? हम समझा देते हैं। हमारे वागड़ के क्षेत्र में एक भाई ने एक साथ दो दुल्हनों के साथ में फेरे लिए और वो भी एक साथ एक ही मंडप के नीचे। कमाल की बात यह है कि दोनों की रजामंदी भी इसमें थी और दोनों दुल्हनों के परिजन भी इसमें शामिल थे और पूरे तामझाम के साथ में एक ही मंडप में इसने दो दुल्हनों के साथ में फेरे लिए। भैया ये तो गजब ही कर दिया। मतलब इसको कहते हैं जिगरा के दो दो के साथ में आप एक साथ फेरे ले रहे हो। यहाँ लोगों की इतनी मुसीबत है कि कहते हैं कि भैया एक नहीं संभलती, दो दो कैसे संभालेंगे। इन दो दो शादी करने वालों का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग बहुत मज़े ले रहे हैं। कुछ युवक इस दो दो शादी करने वाले भैया से जल भी रहे हैं तो फिर कमेंट भी वैसे कर रहे हैं। जितनी जानकारी मिली उसके अनुसार हम आपको इस खबर की पूरी सच्चाई बता देते हैं। वीडियो वागड़ के बांसवाड़ा जिले का है जहाँ एक शख्स ने दो लड़कियों के साथ में एक ही मंडप के नीचे एक साथ विवाह किया। इतना ही नहीं, इस शादी समारोह में दोनों वधू पक्ष के परिजन और वर पक्ष के परिजन शामिल थे। दरअसल ये मामला जो पूरा है वो बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी स्थित करदा गांव का है। ये अनोखी शादी शनिवार यानी कि 24 अप्रैल को हुई। दुल्हा दिनेश दो दुल्हन सीता और गीता के साथ में शादी के बंधन में बंधा। बताया जा रहा है कि आदिवासी अंचल के इस ग्रामीण क्षेत्र में एक से ज़्यादा पत्नी रखने की परंपरा है। लोग यहाँ इसे गलत नहीं मानते और यही वजह है कि पूरा गांव इस शादी में शामिल हुआ। मिली जानकारी के अनुसार वर्जड़िया निवासी सीता और अंबा निवासी गीता से शादी करने वाले दिनेश ने एक युवती को पहले नात्रे के तहत रख रखा था। नाता मतलब जो अब तक इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी। आपको बता दें कि नाता प्रथा है वो, उसके तहत एक व्यक्ति बिना शादी के एक महिला के साथ में रह सकता है। ये आदिवासी अंचल में ज़्यादा चलता है। हालांकि इसे कानूनी रूप से कहीं स्वीकृति नहीं है लेकिन समाज में कुछ दंड देने के बाद इसे स्वीकृत कर लिया जाता है। वहीं दूसरी युवती से दिनेश ने सगाई होने के बाद उससे शादी की। दिनेश पैसे से मकान निर्माण का ठेकेदार है, गुजरात में मकान बनाने का काम करता है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद निर्माण कार्य ठप है लिहाजा अब तीनों परिवारों ने सहमति बनाकर इस विवाह को मंजूरी दे दी। मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो शादी ही कर लेते हैं, ये सोच रही होगी ऐसा हम मानते हैं। सोशल मीडिया पर इस शादी से जुड़े वीडियो काफ़ी वायरल हैं, साथ ही शादी को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही है। बताया जा रहा है कि इस शादी के लिए बकायदा कार्ड भी छपवाया गया। इसमें युवक के परिवार ने स्वयं के साथ युवतियों के पिता और गांव के नाम छपवाए। कोरोना गाइडलाइन के तहत शादी में बहुत कम लोग शामिल हुए। हालांकि शादी से पहले पूरे गांव में इसे लेकर मंथन भी हुआ। इसके बाद आनन फानन में विवाह की तैयारियाँ की गई, साथ ही प्रतिबंध तिथि के पहले एक दिन पहले विवाह की रस्म पूरी की गई। इसी तरह विवाह संपन्न हो गया। Bye.
राजस्थान की ये खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।